देख सकते हैं अभी हम लोग कांके रोड में आ चुके हैं, रातू रोड चौक से इस रोड का नजारा आप देख रहे हैं। यहीं से आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये देख सकते हैं ये लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ से आप ये बिल्डिंग, काफी ज्यादा बड़ा ये मॉल है। ये गांधीनगर रॉक गार्डन के बीचों बीच में ये मॉल बनाया गया है। यही कोई 12-15 तल्ला का ये बिल्डिंग बनाया गया है। टावर है, आपको दिखा हुआ है टावर। ये फर्स्ट टाइम ऐसा डिवाइडर आपको रांची में देखने को मिलेगा। ये स्टील का पूरा डिवाइडर बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे रांची के रातू रोड चौक, और रातू रोड चौक से आपको लेके चलेंगे रिंग रोड लॉ कॉलेज कांके तक। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस रोड में दिखलाने वाला है न्यू मॉल और न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है, और क्या क्या होने वाला है इस रोड में सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो में बने रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप न करें। चैनल पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहे। चलिए धमाकेदार ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और आपको लेके चलते हैं रातू रोड से लॉ कॉलेज कांके रिंग रोड तक। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है रांची के रातू रोड चौक, और ये नया फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है ये रातू रोड चौक के पास आप नजारा देख रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग रातू रोड चौक से लेकर चलने वाले हैं कांके चौक से आगे लॉ कॉलेज रिंग रोड तक, और दिखलाने वाले हैं इस रोड का नज़ारा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि शकील भाई रातू रोड से जो कि लॉ कॉलेज कांके चौक से आगे रिंग रोड है वहाँ तक एक वीडियो बना के दीजिए। सुना है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, नए नए बिल्डिंग बन चुका है कांके रोड में। तो दोस्तों आज हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के देने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट हमेशा करते हैं और हम आपका कमेंट में वीडियो बनाते हैं, तो देख सकते हैं अभी हम लोग कांके रोड में आ चुके हैं रातू रोड चौक से। सामने में जज कॉलोनी है, और राइट साइड में देखेंगे तो ये राजभवन गेट है, ये 4 नंबर राजभवन गेट है, और ये है जज कॉलोनी, और सामने ये कांके रोड है। काफ़ी VIP रोड है क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास यहीं पे है, पुलिस लाइन है, मुख्यमंत्री आवास लाइन है, यहाँ पे विधायक मंत्री का घर है, इसीलिए ये रोड काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और ये कांके रोड काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि ये काफ़ी पॉश और काफ़ी डेवलपमेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा विकास इसी रोड में हुआ है। आपको आगे में देखने को मिलेगा एक से बढ़कर एक बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, और नए नए मॉल, और अभी नए नए बिल्डिंग और मॉल और बन ही रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा बताने वाले और दिखाने वाले हैं डिटेल में, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ यहीं पर है मुख्यमंत्री आवास, इसी कारण ये रोड भी काफ़ी खास हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ये है मुख्यमंत्री आवास, झारखंड मुख्यमंत्री का ये आवास है, कांके रोड में है। और ये सर देख सकते हैं ये है पुलिस लाइन, इधर पुलिस लाइन है और इधर ये कांके में है मुख्यमंत्री आवास है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को रातू रोड चौक से लेके चलेंगे कांके लॉ कॉलेज तक, जो कि रिंग रोड के पास है। आज हम पूरा डिटेल में वीडियो बना कर देने वाले हैं। अभी देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास का ये गेट, ये 3 नंबर 1 नंबर गेट है, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस रोड का नज़ारा दिखाने वाले हैं। इस रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये देख सकते हैं ये लंबा लंबा ऊँचा ऊँचा बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप रांची में नहीं, कहीं बाहर शहर में, इतना खूबसूरत यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये बिल्डिंग बनाया गया है, पंचवटी पॉक्सफोल के नाम से ये बिल्डिंग बनाया गया, जो कि काफ़ी बड़ा ये बिल्डिंग बनाया गया है, काफ़ी ऊंचा है। ये देख सकते हैं ये 8-10 तल्ला का ये बिल्डिंग बनाया गया है। ऐसे ही आपको बहुत सारा बिल्डिंग आगे भी देखने को मिल जाए। और ये प्रिंसेंस का शोरूम है मारुति सुजुकी का, शोरूम देख रहे हैं, और इसके बगल में ये नया बिल्डिंग आपको देखने को मिलता होगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप के पीछे ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये भारत पेट्रोल
पेट्रोलियम है, उसके पीछे जैसे बिल्डिंग, ये बहुत ही बड़ा एक कॉलोनी बनाया गया है बिल्डिंग, ये 12-15 तल्ले का ये बिल्डिंग बनाया गया, कितने तल्ले का ये बिल्डिंग है ये तो पता नहीं, अगर आपने पता है तो समझ जाएगा, जरूर पता है कि कितने माले का ये बिल्डिंग बनाया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत कांके में ये बिल्डिंग जो बना हुआ है वो आपको ये सामने देखने को मिल रहा है, इनका डिजाइन काफी खूबसूरत, ये बिल्डिंग का डिजाइन बनाया गया। चलिए हम आपको जरा नजदीक से दिखलाते हैं, ये भी पेट्रोल पंप के पीछे का नजारा आप देखेंगे, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, ये बिल्डिंग देख सकते हैं काफी बेहतरीन ये मॉडल डिजाइन किया गया इस बिल्डिंग का। और ये देख सकते हैं यहाँ से आप ये बिल्डिंग, काफी खूबसूरत ये बनाया गया है, इंडियन ऑयल के पीछे में ये बिल्डिंग बनाया गया है। है ना, काफी कमाल का बिल्डिंग है, ये कितने तल्ले का है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे में हम आपको बहुत सारा कुछ दिखाने वाले हैं इस रोड में, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। आज हम काफी रोड का पूरा नज़ारा आपको दिखला रहे हैं, और देख सकते हैं आज का मौसम भी काफी अच्छा है, हल्का सा धूप है, हल्का हवा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, बारिश का धूप ऐसे ही बहुत जबरदस्त होता है लेकिन आज उतना ज्यादा नहीं है। आज का वीडियो होने वाला है रांची में शहर से रिंग रोड लॉ कॉलेज तक। पहले हम सोचे थे कि आप लोग काफी रोड चौक तक ही वीडियो बना के थे, लेकिन फिर हमने सोचा थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बढ़ जाते हैं और आप लोगों को पूरा रिंग रोड तक दिखलाते हैं। ये है रिलायंस स्मार्ट पार्क के पास नजारा आप देख रहे हैं, और आगे में आप लोगों को चार्मिंग चौक के पास ये एक से बढ़कर एक नए नए बिल्डिंग जो बन रहे हैं, तो सारा कुछ मैं आज वीडियो के माध्यम से दिखलाने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो बना के देने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा है, तो सचिन भाई बहुत दिन हो चुका है आप रास्ते रोड से कांके का वीडियो बना के थे, क्योंकि हम आपको इस रोड पर भी एक वीडियो बना के पहले ही देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये रोड काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, और देख सकते हैं वहाँ पर भी एक नया बड़ा बड़ा अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाया जा रहा है, मतलब इस रोड में बहुत ही ज्यादा बिल्डिंग बनाया जा रहा है और नया नया मॉल आगे में देखने को मिल जाएगा, गांधीनगर के पास, रॉक गार्डन के पास, आपको सारा चीज दिखाने वाले। फिलहाल देख सकते हैं नया बिल्डिंग का निर्माण पूरी तरीके से कम्प्लीट होने वाला है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ठीक इसको अपोजिट में देख सकते हैं यहाँ पे सीजीडीआई है, सीजीडीआई के सामने भी एक नया बिल्डिंग बनाया गया, ये नया मॉल बनाया जा रहा है, देख सकते हैं ये तो नया मॉल है, इधर भी एक नया बिल्डिंग बनाया गया, और सामने में भी देख सकते हैं सामने रॉक गार्डन है, और रॉक गार्डन का ठीक सामने आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल स्मार्ट का भी है रिलायंस का, सोनी का पूरा सामान है यहाँ पर, और ये है रांची का रॉक गार्डन, सबसे खूबसूरत ये गार्डन है रांची का रॉक गार्डन, और ठीक उसका सामने आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रांची का नया न्यूक्लियस मॉल, फैशन सिटी, न्यूक्लियस मॉल, सुपर स्टॉप, मतलब आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज देखने को मिलेगा इस रोड में। काफी खूबसूरत ये बनाया गया है, ये मॉल काफी बड़ा, ये मॉल है काफी ज्यादा बड़ा, ये मॉल है, ये गांधीनगर रॉक गार्डन के बीचों बीच में ये मॉल बनाया गया है, क्योंकि मिट्टियों के मॉल का ये दूसरा मॉल है, और तीसरा मॉल का वीडियो हम बना के दे चुके हैं जो कि है रांची जिमखाना के पास बुटी मॉल से पहले। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे में, और आगे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे में और क्या क्या काम हो रहा है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों देख सकते हैं ये भी 12-13 माले का एक बिल्डिंग बना हुआ है, आप
लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था कि शकील भाई वहाँ से चांदनी चौक के पास एक नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, मेरा ध्यान से उतर गए कौन सा बिल्डिंग के बारे में आप बात कर रहे थे। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं ये कांके रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक नया पेंटालून ओपन हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पेंटालून तो आप लोग बता दो कि चांदनी चौक से जस्ट पहले ये एक नया पेंटालून शोरूम खुल गया यहाँ पर, और ऊपर में जिम भी खुलने वाला है, वो भी काम शुरू है। और ये नीचे देखे तो ये पेंटालून आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये बिल्डिंग ये काफी ऊंचा बिल्डिंग ये देखने को मिल रहा है। इस चांदनी चौक का सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं और वो है चांदनी चौक। और देख सकते हैं यहाँ हर तरफ आपको ये चांदनी चौक का नज़ारा देखने में, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डिंग आपको देखने में। अभी हम लोग है चांदनी चौक के पास, ये है रांची का चांदनी चौक, कांके चांदनी चौक, और उसके सामने का नज़ारा आपको कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी जगह से और बाजार है वो भी कोई 12-15 चलना का ये बिल्डिंग बनाया गया है, टावर है आपको दिखा हुआ है टावर है हमारे के ऊपर, ये टावर बड़ा ये टावर बनाया गया बिल्डिंग काफी अच्छे से बनाया गया। अब हम चांदनी चौक से आगे बढ़ेंगे और ये देखो चांदनी चौक के आगे का नज़ारा भी काफी खूबसूरत देखने को मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग का तो बात ही अलग है, काफी खूबसूरत बिल्डिंग बनाया गया है, काफी बेहतरीन बिल्डिंग बनाया गया। और दोस्तों आप लोग बता दो कि इस बिल्डिंग के नीचे में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है कावेरी रेस्टोरेंट, उसका सामने देख सकते हैं ये बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन, ये रोड का नज़ारा आप देखने को मिल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ये वीडियो बनाने में। बहुत ही खूबसूरत ये रोड, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो इसी रोड में, एक टाइम था कि इस रोड में लोग आते नहीं थे, चारों तरफ खाली पड़ा हुआ रहता था ये रोड। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लखनऊ सैलून भी, बड़े बड़े ब्रांड आपको इस रोड में देखने को मिले। और ये हॉलीडे होम, ये होटल है हॉलीडे होम, काफी अच्छा होटल है ये, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये रोड में लोग आने से कतराते थे, आते नहीं थे जल्दी, लेकिन अब देख सकते हैं ये रोड का नज़ारा। और ये जैसे नया मॉल, यहाँ पर भी एक नया मॉल शुरू हो चुका है बनना, और यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है ये सिग्नेचर के नाम से ये मॉल बनाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा नया मॉल बनाया जा रहा है। जैसे भी ये मॉल तैयार होगा तो हम इसका भी एक वीडियो आपको बना कर देंगे, ये सिग्नेचर के नाम से ये मॉल बनाया जा रहा है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं कांके चौक की तरफ, और आज हम आपको दोस्तों कांके चौक के पास नया एक हॉस्पिटल बनाया गया जो कि कैंसर हॉस्पिटल, जो कांके चौक से अगर आप पाया जाते हैं तो आप उत्तर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो 1-2 किलोमीटर आगे में आपको कांके चौक से कैंसर हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल के साथ मेरा ये 1 साल हुआ है वो नया बना हुआ, तो हम आपको एक झलक उधर से भी लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको लॉ कॉलेज तक लेके चलेंगे। तो वीडियो बने रहे, हम कोशिश करते हैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा डिटेल बता दें और दिखाएं, बार बार इतना दूर आने की जरूरत नहीं है वीडियो बनाने के लिए, हम आपको एक ही वीडियो में आज पूरा कांके रोड का नज़ारा दिखा देते हैं। दोनों तरफ से नज़ारा आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और आपको बता दूं कि कांके चौक से अगर आप पाया जाते हैं
तो कैंसर हॉस्पिटल, और अगर आप देहना जाते हैं तो कांके चौक से आपको सीएसटी पगलखाना, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज देख लीजिएगा। कांके चौक से अगर देहना जाते हैं तो पगलखाना, लेकिन हम आज इधर नहीं जाएंगे, आज हम आपको सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल दिखाने वाले हैं। कांके चौक से जो सुखी रोटी बोर्ड जाता है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल इसी तरह के ना देखें, चैनल पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राशि से हर अपडेट वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता है। फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं प्रेम नगर के पास, जो कि जोड़ा पुल के पास है, हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी रांची से हर अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिलता है। देख सकते हैं ये भी, ये जोड़ा पुल है, पहले ये पुल नीचे से हुआ करता था, इसके नीचे भी एक छोटा सा नदी क्रॉस कर रहा है, ये कौन सा नदी है ये पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रेम नगर के पास जो नदी है ये कौन सा नदी, क्या नाम है। फिलहाल हम वो पुल पार कर चुके हैं और अभी हम लोग बहुत जल्द कांके चौक पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम रातू रोड चौक से आप लोगों को कांके रिंग रोड, जो कि लॉ कॉलेज तक आपको लेके चलने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अभी तक आप लोगों को काफी अच्छा काफी पसंद आया है। फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग कांके चौक पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में आपको कांके चौक देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको हम 2 किलोमीटर अंदर लेके चलने वाले हैं बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, और जहां पे दिखा देंगे आपको कि नया वहां पे कैंसर हॉस्पिटल भी खुल चुका है। अगर आपको ऐसा, हम तो नहीं चाहते खुदा न खासा आप लोग ऐसा बीमारी हो, लेकिन क्या करें, लाइफ है, होता ही है। तो अगर आपको आना होगा कैंसर हॉस्पिटल, तो आप कांके चौक, रातू रोड चौक से कांके चौक से बाया आपको कैंसर हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो आज हम उसका भी आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहें, और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी पता चलेगा कि आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं। और सामने देख सकते हैं साइन बोर्ड में लिखा हुआ है 2 किलोमीटर बाएं जाएंगे सुपर रोटू, और सीधा जाएंगे तो रामगढ़ पतरातू, और अगर इधर जाते हैं तो केंद्र मार्ग चिकित्सा स्थान देखने को मिल जाएगा। और ये सामने है रिम पास, ये रिम पास ये भी हॉस्पिटल है एक, जहाँ पे नशा मुक्ति का इलाज होता है, बहुत बड़ा ये रिम पास है। और ये सामने देख सकते हैं कांके चौक, अब हम लोग एग्जैक्ट पहुँच चुके हैं रांची पे, ये कांके चौक है, यहाँ से अगर टहला जाते हैं तो बगल खान, और थोड़ा सा आगे से हम बाया जाएंगे तो कैंसर हॉस्पिटल जाने वाले, ये लक्ष्मण महतो चौक है कांके चौक, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ये साइड बाया साइड लेफ्ट साइड, और आपको दिखलाएंगे यहाँ से कैंसर हॉस्पिटल, बस वीडियो में बने रहे। आज हम आपको एक झलक कैंसर हॉस्पिटल दिखाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे लॉ कॉलेज रिंग रोड तक। ये रोड भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया बनाया गया, जैसा कि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अभी हर जगह में रोड अच्छा बना हुआ है। रोड काफ़ी खूबसूरत रोड आपको देखने को तो मिल ही रहा होगा, अगल बगल देखते हैं गाछ, यहाँ पर पेड़ पौधा देखने को मिल रहा होगा, ये हरियाली, इसीलिए आपको बता दूं दोस्तों कि कांके एरिया जो होता है ना वो सबसे बेस्ट एरिया होता है, कांके का मौसम वेदर काफ़ी खूबसूरत होता है। आप लोगों को बता दूं कि इस कांके एरिया में जब ठंड पड़ता है तो यहाँ पे बर्फ जम जाता है, माइनस में यहाँ पे डिग्री माइनस हो जाता है, और ये सब में पूरा बर्फ जम जाता है दोनों तरफ, काफ़ी ठंड वाला एरिया ये होता है। और ये सब जो है ना, सब ये पगलखाना सीएपी के एरिया होता है, यहाँ पे क्वार्टर्स है, और यहाँ पे देखते हैं कांके पे जो ऑफिस भी है। और आज हम आपको दिखलाने वाले हैं आगे में है कैंसर हॉस्पिटल, जो कि नया बना हुआ है, 6 महीने 1 साल
बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो उसका ही वीडियो एक झलक आपको दिखाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहें। ये है रांची के हॉस्पिटल, ये नया जुलूस निकलने वाला है। देख सकते हैं ये है रांची के नया कैंसर अस्पताल, जो कि आपको काफी चौक से 2 किलोमीटर अंदर में ये देखने को मिल जाएगा रोड में। ये है कैंसर हॉस्पिटल, बहुत ही बड़े एरिया में ये बनाया गया हॉस्पिटल। फर्स्ट टाइम हम आपको इस हॉस्पिटल का वीडियो बना के दे रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ जाए तो आप काके चौक से सुपर टू तरफ 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में 1 किलोमीटर अंदर में ये हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया, ये काफी बड़ा ये बनाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे काफी दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है। अरे जी ये देखो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा डिवाइडर आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। ये स्टील का पूरा डिवाइडर बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। पहली बार है रांची में ऐसा डिवाइडर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया ये डिवाइडर है, पूरा स्टील का है। और आपके हॉस्पिटल जो कैंसर है ना, ये कैंसर हॉस्पिटल ये पूरा देखने सब उन्हीं का बाउंड्री है, ये पूरा उसी का बाउंड्री है। और यहाँ पे एक नया बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी कुछ शायद बन रहा है। जैसे मैं अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ पे पिलर का काम हो चुका है और ये भी कुछ बनने वाला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को रांची का राजू रोड से पूरा कैंसर हॉस्पिटल तक लेके आ चुके हैं। और फिलहाल देख सकते हैं सामने में कैंसर हॉस्पिटल का पूरा देखने वाला बिल्डिंग दिख रहा होगा। और ये रोड जैसे वहाँ से खूबसूरत ही काफी नया रोड बनाया गया है। और ये डिवाइडर डिवाइडर जैसे थे काफी बेहतरीन डिवाइडर बनाया गया है, ये पूरा स्टील का ये डिवाइडर बनाया गया। और ये है कैंसर हॉस्पिटल। अगर आप लोग रांची से आते हैं रातू रोड चौक से कांके चौक आना होगा, कांके चौक से आपको बाया जाना होगा, बाया अगर आप आते हैं 1 किलोमीटर आते हैं तो आपको ये कैंसर हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए अब आपको लेके चलते हैं काके चौक से आगे रिंग रोड की तरफ नौ कॉलेज के पास। वीडियो में बने रहे, आज हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के देने वाले हैं। ये मेन गेट है काके कैंसर हॉस्पिटल का, ये मेन गेट। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल नया बन के कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये 1.5 साल हो चुका है यहाँ पर बना हुआ। अब हम आपको यहाँ से लेके चलने वाले हैं काके रोड लॉ कॉलेज के पास, जो कि रिंग रोड पास है। यहाँ से हम लोग बाया जाने वाले हैं, यहाँ से बाया जाएंगे और सामने आपको दिखलाने वाले हैं कैंसर हॉस्पिटल के आगे में नजारा आप देख सकते हैं। इधर अगर आप आगे बढ़ते हैं काफी चौक से आगे में एक यहाँ पे लॉ कॉलेज भी बनाया गया है, जो कि काफी बड़ा ही लॉ कॉलेज है रिंग रोड के पास। तो वहाँ तक आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर चलने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहें, बिल्कुल वीडियो डिस्क्रिप करके ना देखें। चैनल पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो मेरे चैनल से आप लोगों को मिलता रहे। बने रहे, आज हम आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के दे रहे हैं रातू रोड से काके रिंग रोड लो कॉलेज तक। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में देख रहे हैं गाछ, कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे गाछ वृक्ष है, बीच में डिवाइडर में देख सकते हैं कितना हरियाली देखने को मिल रहा है, जो कि रांची में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसा माहौल और ऐसा नज़ारा आपको रांची में देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि वेदर और जैसा कि नेचुरल फन आपको इस रोड में देखने को मिल रहा है।
क्योंकि अगर आप काफी से आते हैं आगे से, क्योंकि रांची में अब आस्ते आस्ते डेवलपमेंट का काम फोर लेन डिवाइडर और फ्लाईओवर और रोड चौड़ीकरण हो रहा है ना, इसी कारण पूरी तरीके से गाछ को काटा जा रहा है, जिसके लिए रांची तक हरियाली खत्म हो रही है। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को आज पूरा डिटेल में रांची रोड से लो कॉलेज तक वीडियो बना के दे दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अभी तक आप लोग काफ़ी अच्छा और काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और अगर आप इस एरिया में रहते हैं, बाकी एरिया में रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोग को स्पेशली कैसा लगा। और देख सकते हैं सामने में आपको देखने को मिल जाएगा लॉ कॉलेज, बहुत ही बड़ा ये लॉ कॉलेज बनाया गया है, जो कि आपको रांची के रिंग रोड के पास देखने को मिलेगा। आप रिंग रोड के बगल में ही ये लॉ कॉलेज देखने को मिलेगा। आज हम वहाँ तक आपको लेके चलने वाले हैं राठी रोड चौक से। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यहाँ पे भी एक नया पुल बनाया गया, ये पुल हो गया काफ़ी दिन हो गया यहाँ बना हुआ ये पुल। ये पुल जब हम लोग पहले आते थे छोटे में, तब ये पुल नहीं हुआ करता था, बिल्कुल नदी के नीचे से ये पुल हुआ करता था। और आप लोगों को बता दो कि यहाँ पर एक नया पुल बन चुका है और इसके नीचे नदी भी है, बहुत बड़ा नदी है इसके नीचे, और जब हम पुल से क्रॉस कर रहे हैं और सामने में ही आपको लॉ कॉलेज देखने को मिलेगा। ये है रांची का सबसे बड़ा लॉ कॉलेज, जो कि आपको रातू रोड से आते हैं तो कांके चौक पार करने के बाद आपको रिंग रोड के पास देखने को मिल जाएगा। ये रांची का सबसे बड़ा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सेंटर है, और सामने में है रिंग रोड, सामने में रिंग रोड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफी पसंद आया होगा, रातू रोड चौक से लॉ कॉलेज रिंग रोड के पास का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है फिर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।